हमीरपुर न्यूज इज ब्रॉट टू बाय स्टार कमर्शियल कॉलेज हमीरपुर, एक ऐसा संस्थान जहां स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सिखाई जा रही है। वर्ष 1974 से संचालित इस कॉलेज में अब तक हजारों अभ्यर्थी ट्रेनिंग लेकर सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। यही नहीं, यहां से निकले स्टूडेंट्स सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर भी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो चले आइए स्टार कमर्शियल कॉलेज हमीरपुर और ट्रेनिंग लेकर अपने भविष्य को दें नई उड़ान। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर में अंडर 14 छात्रों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। जिला भर के 70 स्कूलों के 614 छात्र इस खेलकूद प्रतियोगिता में दमखम दिखा रहे हैं। 6 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाली इन खेलों में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, योग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कुश्ती व फुटबॉल आदि प्रतियोगिताएं होंगी। इससे पहले खेल प्रांगण में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री का स्कूल प्राचार्य चंद्रशेखर ने स्वागत किया। आयोजनकर्ताओं की ओर से ADPO मस्तराम बड़ियाल, प्यारचंद व समस्त अध्यापकों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर खेल आयोजकों ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रेम कुमार धूमल ने छात्र खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। और 1958-1959 में हम टूर्नामेंट खेलने के लिए ही आए थे सारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस। तो सारे जिला कांग्रेस का एनुअल टूर्नामेंट हाई स्कूल का सुजानपुर में ही हुआ करता था। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।